जो बस्ती है ये रेड जोन में आती है और ये वायर वगैरह आप देख सकते हैं, ये इसीलिए यहाँ पे आग वगैरह भी लग जाता है कभी कभी। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं ना हाथ धो के एकदम हो गया हूँ रेडी और अब जाऊँगा खाला के यहाँ, थोड़ा नाश्ता वगैरह करूँगा, फिर उसके बाद ऑफिस जाऊँगा। तो फिर यार वीडियो को ना पूरी देखो। और मैं अभी प्रेजेंट टाइम धरावी में रह रहा हूँ, यहाँ की आपको थोड़ा गली वगैरह दिखाता हूँ, मैं कैसे नहाता हूँ, कैसे खाता हूँ, कैसे रहता हूँ मुंबई में, तो वो आपको स्ट्रगल लाइफ दिखाता हूँ। तो यार वीडियो को पूरा देखो यार। चलो दोस्तों मैं अब चल दिया हूँ और ये दरवाज़ा ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ही मैं बैठ के नहा लेता हूँ। और इसमें पानी भरा रहता है, दोनों ड्रम में पानी वानी बराबर आता है, अच्छे से आता है। और मैं यहीं पे नहा लेता हूँ और ये मेरे जूता रखा हुआ है। दोस्तों मैंने ताला बंद कर लिया है और अब चलूँगा और बता दूँगा आपको। यहाँ पे मैं कपड़े धुल लेता हूँ यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर बहुत ही मतलब स्लम बस्ती है, मेरे को झुक के भी जाना पड़ता है यहाँ से। और ये देखिए पानी वगैरह रखा हुआ है ड्रम में, ये है गली और बहुत ही ज़्यादा पतली पतली गली होती है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बस्ती है ये रेड जोन में आती है और ये वायर वगैरह आप देख सकते हैं, ये इसीलिए यहाँ पे आग वगैरह भी लग जाता है कभी कभार, पहले लग भी चुका है। और अब धीरे धीरे चल रहे हैं और आप पूरा नज़ारा देखते रहिए। और गली वगैरह देखिए बहुत ही ज़्यादा पतली पतली रहती है और लोग यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। दादी दादी तो दादी को भी देखिए, ये दादी भी चल रही है लेकिन अपने में मगन है ये। दोस्तों आपको बता दूं कि ये वाली जो गली है ये बहुत ही ज़्यादा लंबी है, ये मेरी तो मतलब 1.5 मिनट तो ये गली ही ले ली है वीडियो में। तो देखो पूरा देखो इस गली को, दोनों साइड रूम है इसके और इस गली में भी थोड़ा लंबाई मेरी ज़्यादा हो जाती है तो मेरे को कभी कभार मतलब क्या झुक के चलना पड़ता है सामने से कोई पब्लिक आ जाती है तो, क्योंकि वायर वगैरह देखो कितने नीचे से है, ऐसा ऊपर ही लगा हुआ है। इतनी ज़्यादा जनता रहती है यहाँ पे कि कहाँ जाए यार लोग, देख रहे हो। ओ चाचा आगे से हट जाओ यार, वीडियो तो बनने दो चाचा। अब यार चाचा हट ही नहीं रहे क्योंकि चाचा अपने में है मगन। तो फाइनली चाचा को बीट कर दिया और मैं आगे आगे। और दोस्तों अब आ गया हूँ गली से बाहर और यहीं पे ही पहले आग लगी हुई थी, अभी तो सब बन गया है। और अभी हम पहुँचे हैं बाथरूम के पास और कचरा भी यहाँ पे फेंका जाता है और बाथरूम के 3 रुपए लगते हैं। तो दोस्तों एक और गली मद्रासी गली है ये और यहाँ से भी मेरे को कुछ होके जाना पड़ता है। अभी बस पहुँचूँगा और खाला के यहाँ नाश्ता वगैरह करूँगा, लंच पैक करूँगा और फिर चल दूँगा काम पे अपने। देखिए ये सब गली यहाँ पे नहाने को क्या, मैं तो बता रहा हूँ अभी आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे देखो कहाँ पे नहा रहे हैं, ये देखो यही नहा ले रहे हैं ये। अरे चाचा नहाओ नहाओ, अच्छी बात है। अभी दिखाता हूँ आपको, यहीं पर कपड़ा भी धुल लेते हैं, अंदर जगह ही नहीं साला, छोटा सा तो रूम है इधर का। ये देखो यहाँ पे कपड़ा भी धुल लेते हैं, चावल वगैरह भी धुल लिया जाता है। इनको देखो मौसी है की, ये टॉमी है। ओ खा लो जाओ, काम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये खाला के रूम के पास आ गया हूँ, ये बिल्ली बैठी हुई है। और सो गाइस मैं ना खाला के रूम पे आ गया और ये मेरा समीर मेरा छोटा भाई है और यही मेरे को नाश्ता खिला रहा है। तो खिला बे, खिला जल्दी। ये मेरी खाला ने क्या बनाया है, भाजी और आलू मसालादार सब्जी है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। समीर तेरे को कैसा लगा? अच्छा, अच्छा लगा ना। ओके।